नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 19 मई शुक्रवार ज्येष्ठ अमावस्या, गाय माता को चुपचाप बस ये एक चीज खिला देना, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या इस बार 19 मई दिन शुक्रवार को है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या का हमारे हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य अमावस्याओं की तुलना में ज्येष्ठ अमावस्या पर किए गए स्नान दान व्रत पूजन कई लाख गुना अधिक पुण्यफलदायी होते हैं, और इस बार की तो ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जा रही है, तो इसे चूंकि ये शनि अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, यह ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में इस बार पड़ रही है, और इसी दिन भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर और शनि अमावस्या पर एक साथ होने से दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ का निर्माण हो रहा है, तो यह दिन पितरों के साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही खास दिन है। इसीलिए यदि गाय माता को चुपचाप बस ये एक चीज खिला दे इस दिन, तो आपकी 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज, करोड़पति भी बन जाएंगे करोड़पति, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से बहुत ही महत्व प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे कि काले तिल, जूता, छाता, काले कपड़े इत्यादि का दान करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और शनिदेव से राहत मिलती है। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या और शनि अमावस्या एक साथ होने से कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सस नामक योग भी बन रहा है, काल सर्प योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। इस कारण से इस ज्येष्ठ अमावस्या का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं इस ज्येष्ठ अमावस्या पर, तो आने वाली 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज। दोस्तों, इस दिन गाय माता की पूजा जरूर करें और गाय माता को ये एक चीज जरूर खिला दे जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या पर किए गए जप तप दान और पूजा पाठ से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में दुखों का नाश हो जाता है। शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले उठें और फिर आप किसी तीर्थ पवित्र नदी में जाकर स्नान ध्यान जरूर करें। जैसे कोई तीर्थ पवित्र नदी नजदीक में नहीं है, नहीं जा सकते, जैसे गंगा सरोवर में नहीं जा सकते, तो अपने घर पर ही नहाने वाले बाल्टी में आप एक ढक्कन गंगाजल डालकर उसमें डाल लें और फिर आप उस जल से नहा लें और साथ ही काले तिल भी इसमें डाल लें नहाने के पानी में और फिर विधिवत नहाएं। दोस्तों, ये गंगा स्नान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होगी। फिर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद फिर आप इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद फिर शनिदेव की पूजा जरूर करें, क्योंकि ये शनि अमावस्या भी है, तो शनिदेव की पूजा करने के साथ साथ शनिदेव को सरसों का तेल का यानी एक दीपक जलाएं और भगवान को घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, इस दिन फिर आप क्या करें कि आटा ले लें और आटे को अच्छी तरह से आप यानी कि मर लें और मरने के बाद फिर उसकी एक रोटी तैयार करें। दोस्तों, रोटी तैयार करने के बाद फिर आप इसे पूजा स्थान पर रख दें और भगवान विष्णु जी को आप गुड़ घी और साथ ही साथ जो आपने उन्हें भोग लगाया है, जैसे कि गुड़ घी का भोग लगाएं, थोड़े से काले तिल भी रख लें। दोस्तों, फिर इसके बाद क्या करें कि उससे पहले आपको एक लोटा ले लें और लोटे में थोड़ा सा जल भर लें और जल भर के फिर सूर्य देव को भी आप एक लोटा जल अर्पित करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके आप पितृ देवों को एक लोटा जल दें, लेकिन लोटे में थोड़े से काले तिल डाल लें। फिर इसके बाद आप वापस आएं और इस रोटी में आप यानी कि पूजा पाठ करने के बाद इस रोटी में थोड़े से गुड़, थोड़े से काले तिल
और थोड़ी सी आप इसमें चाहें तो मिश्री भी रख सकते हैं। और इस रोटी को सरसों से तेल से चुपड़ लें, फिर आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को चुपचाप खिला दें। गौ माता को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपके आने वाली कई पीढ़ी तक धन रुपए पैसों से कमी महसूस नहीं करेगी, बल्कि रुपए पैसों में करेगी राज। 7 पुश्तों तक धन की कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, आपके घर में यानी कि धन लाभ तेजी से बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, सफलता कदम चूमेगी। अमावस्या के दिन गाय को अगर घर की सबसे पहले रोटी खिलाया जाए तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी साथ ही शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस बार ज्येष्ठ अमावस्या शनि अमावस्या पर गाय को घर की सबसे पहले रोटी जरूर खिलाएं। जो घर की सबसे पहले रोटी बनेगी तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और काले तिल आप डाल के थोड़ा सा गुड़ डालें और फिर ले जाकर गाय को जरूर खिला दें। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पितरों से कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, सभी देवी देवता निवास करते हैं और खास करके अमावस्या के दिन सभी देवी देवता उसमें निवास करने लगते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन गाय को घर की पहली रोटी जरूर खिलाएं। अमावस्या के दिन एक मुट्ठी घास ले लें, उसमें एक रोटी रख लें, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सरसों का तेल चुपर दें और थोड़े से गुड़ रखकर गाय माता को खिला दें। अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष सब नष्ट हो जाएंगे, घर से गरीबी दूर हो जाएगी, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, घर में रुपए पैसों कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन गाय अगर द्वार पर आ जाए तो कभी भगाइएगा नहीं और गाय को बासी बिल्कुल मत खिलाइए। बासी भोजन बना है या सड़े गले भोजन बिल्कुल मत खिलाइए, क्योंकि दोस्तों गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और अगर सड़ी गली चीज़ें खिलाते हैं तो इसका मतलब है कि सभी देवी देवता आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए गाय को इस दिन ना तो भगाएं और ना ही सड़ी गली चीज़ खिलाएं, बासी रोटी बासी भोजन भी ना खिलाएं। और दोस्तों, इस दिन गौशाला के पास एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, गाय की पूजा करना, गाय की सेवा करना आवश्यक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप नियमित रूप से गाय को पहली रोटी खिला देते हैं या फिर आप डेली खिलाएं अगर पहली रोटी, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और शनिदेव की कृपा बरसती है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या शनि अमावस्या के दिन थोड़ा सा गुड़ ले लें और थोड़े से काले तिल ले लें और थोड़े से घी ले लें और इसका लड्डू बना लें और एक रोटी ले लें। इस रोटी में इस लड्डू को रखकर ले जाकर गाय को खिला दें, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कोई भी मनोकामना है वो अधूरी नहीं रहेगी। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और कभी धन की कमी नहीं होती। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है, कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। महानगरों में अगर आप रहते हैं तो वहां पर गाय का पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर रोटी जरूर खिला सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गाय को खिलाने में भूल हो जाती है, तो आपको भूल नहीं करनी चाहिए। घर की सबसे पहली रोटी निकले तो उसे निकाल लें अलग से और रख लें, और जब भी आपको गाय दिखे तो जरूर उसे यानी आप खिला दें। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ये आप सुबह की जो पहली रोटी है आप गाय माता को जरूर खिलाएं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को आप पहली रोटी जरूर खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाना और गाय के मस्तक को छूना और अपनी मन्नतें मांगना और प्रणाम करना, ये काम करना शुरू कर दीजिएगा। गाय को अगर आप खिलाते हैं रोटी और उनके पैर छूते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पैर छूते हैं और गौशाला में दीपक जलाते हैं तो लाभ होगा। दोस्तों, आप उन्हें रोजाना जो रोटी खिलाएं वो बासी बिल्कुल ना हो, तरोताज़ा रोटी हो, और कोशिश यही करें कि गाय को जब भी आप खिलाएं अपने दाहिने हाथ से खिलाएं, इससे गाय माता का आशीर्वाद मिलता है। गाय को खिलाने से यानी बासी रोटी खिलाने से गाय का अपमान होता है
और देवी देवता नाराज होते हैं, इसलिए बासी रोटी न खिलाएं। गाय को एक दिन पहले की बनी हुई कोई भी चीज ना खिलाएं। आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई मनोकामना है, तो आप गाय माता को जरूर इस दिन यानी कि थोड़े से रोटी में हल्दी रखकर जरूर खिला दें, इससे लाभ होगा। तो ये उपाय जरूर करें दोस्तों, इससे बहुत लाभ होगा, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी, भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।